नमस्कार, संसद टीवी के इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंबरा। अच्छा स्वास्थ्य सभी के लिए आवश्यक है और प्रत्येक नागरिक के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता भी जरूरी है। सभी को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से सरकार विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की शुरुआत करती रही है। बजट में विशेष तौर पर इसके लिए अलग से राशि आवंटित की जाती है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जानते हैं कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की क्या प्राथमिकताएं रहीं और उस दिशा में कितनी सफलताएं मिल सकी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कि बीते साल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए क्या क्या योजनाओं की रूपरेखा बनाई गई, उनके लिए कितनी राशियां आवंटित की गईं। 2023-24 के केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को 89,155 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 3.4% की वृद्धि दर्शाता है। यह आवंटन बढ़ती मांगों और चुनौतियों के बीच स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। एक प्रमुख आकर्षण 102 करोड़ लोगों को टीकाकरण करने के उद्देश्य से 220 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुराक का आवंटन था। यह पहल महामारी के प्रभाव को प्रबंधित करने और कम करने की सरकार की रणनीति की आधारशिला थी। पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों तक बीमा कवरेज बढ़ाया गया। इन योजनाओं का उद्देश्य परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। सरकार ने 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सह स्थान पर 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की घोषणा की। इस कदम का उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों, विशेष रूप से नर्सों की गंभीर कमी को दूर करना था। सिकल सेल एनीमिया के लिए एक उन्मूलन मिशन शुरू किया गया, जो अनुवांशिक और पुरानी बीमारियों से निपटने पर सरकार के फोकस को दर्शाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन की भी घोषणा की थी और इसमें 7 करोड़ लोगों की जांच शामिल थी। चुनिंदा ICMR प्रयोगशालाओं के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान को प्रोत्साहित करने की पहल से सार्वजनिक और निजी चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा मिला। फार्मास्यूटिकल्स में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक नया कार्यक्रम भी पेश किया गया, जिसका लक्ष्य स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नवाचार और विकास को बढ़ावा देना था। 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस विल बी एस्टैब्लिश्ड in co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014. A mission to eliminate sickle cell anemia by 2047 will be launched. It will entail awareness creation, universal screening of 7 crore people in the age group of 0 to 40 years, in affected tribal areas, and counseling through collaborative efforts of central ministries and state governments. Facilities in select ICMR labs, Indian Council for Medical Research labs, will be made available for research by public and private medical college faculty and private sector R&D teams for encouraging collaborative research and innovation. A new pharma program, a new program to promote research and innovation in pharmaceuticals will be taken up through centers of excellence. We shall also encourage industry to invest in research and development in specific priority areas. Dedicated multidisciplinary courses for medical devices will be supported in existing institutions to ensure availability of skilled manpower for futuristic medical technologies, high-end manufacturing and research.
वहीं अगर विभागीय आवंटन की बात करें तो 86,175 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो पिछले वर्ष से 3.8% अधिक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM को 29,085 करोड़ रुपए मिले, हालांकि यह पिछले वर्ष से 21% कम था। हालांकि NHM के केंद्रीय क्षेत्र के घटक में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए आवंटन में 70% की वृद्धि देखी गई, जो डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल समाधानों के प्रति सरकार के दबाव को दर्शाता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY के लिए आवंटन 12% बढ़ाकर 7200 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यह योजना, जो प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5,00,000 रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है, विश्व स्तर पर सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है और 40% आय वर्ग के लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को कवर करती है। बजट में विभिन्न स्वास्थ्य पहलों के लिए महत्वपूर्ण आवंटन शामिल है, जिनमें राष्ट्रीय एड्स और STD नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 3,080 करोड़, राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए 134 करोड़ और परिवार कल्याण योजनाओं के लिए 517 करोड़ शामिल हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए सभी आय वर्ग के रोगियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की है। हालांकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM अपने दो उपमिशनों राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRHM और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन यानी NUHM के साथ मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को उनके स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मजबूत करने में सहायता करता है, ताकि न्यायसंगत, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान की जा सके। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम या योजनाएं चलाई गई हैं। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना इसका प्रमुख कार्य है। इसके अंतर्गत अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें शामिल है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का मकसद गर्भवती महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है। वर्ष 2014 में इस कार्यक्रम को गर्भावस्था के दौरान होने वाली सभी प्रसव पूर्व एवं प्रसवोत्तर जटिलताओं तक विस्तारित कर दिया गया और उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले सभी बीमार नवजात और एक वर्ष तक के शिशुओं के लिए समान अधिकार लागू कर दिए गए। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत 7 जनवरी 2014 को हुई थी। इसका मकसद 10 से 19 साल के किशोरों को स्वास्थ्य और सेहत से जुड़ी जानकारी देकर जिम्मेदारी से फैसले लेने में सक्षम बनाना है। इसके लिए उन्हें जरूरी सेवाएं और सहायता मुहैया कराई जाती है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मकसद जन्म से 18 साल तक के बच्चों में 4 तरह की परेशानियों की जांच करना है। इन परेशानियों में जन्म के समय विकार, बीमारी, कमी और विकास में रुकावट शामिल है। इस कार्यक्रम में इन परेशानियों की जांच के जरिए प्रारंभिक पहचान और प्रारंभिक हस्तक्षेप किया जाता है। इसके तहत बच्चों को मुफ्त उपचार और प्रबंधन की सुविधा भी मिलती है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम भारत सरकार की एक योजना है, जिसका मकसद सभी समुदायों को उच्च गुणवत्ता वाली टीकाकरण सेवाएं देना है। इस कार्यक्रम के तहत हर साल करीब 2,67,00,000 नवजात शिशुओं और 2,09,00,000 गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया जाता है। साल 2014 में पोलियो और साल 2015 में मातृ एवं नवजात टेटनस उन्मूलन भी UIP की ही देन है। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य देश में बच्चों का नियमित टीकाकरण कवरेज बढ़ाना है। इस अभियान की शुरुआत दिसंबर 2014 में नई दिल्ली में हुई थी। इस अभियान के तहत बच्चों को 7 टीका निवारणीय रोगों से बचाने के लिए टीका लगाया जाता है, जिनमें शामिल हैं डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, बालक क्षय रोग, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, खसरा।
इस अभियान का मकसद स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाकर और अंतराल की पहचान करके 90% से ज्यादा बच्चों को नियमित रूप से टीका लगाना है। इसके लिए सघन टीकाकरण अभियान चलाए जा रहे हैं। जननी सुरक्षा योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप है। इसे गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हर महीने की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सुनिश्चित व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना है। प्रधानमंत्री ने 31 जुलाई 2016 को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत के उद्देश्य और प्रयोजन की चर्चा की थी। परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम पिछले दशकों में नीति और वास्तविक कार्यक्रम कार्यान्वयन के संदर्भ में कार्यक्रम में परिवर्तन आया है और वर्तमान में इसे न केवल जनसंख्या स्थिरीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बल्कि प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और मातृ शिशु और बाल मृत्यु दर और रुग्णता को कम करने के लिए पुनः स्थापित किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि केंद्र और राज्यों दोनों को उचित परिवार नियोजन सुनिश्चित करने और योजनाओं तथा पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सामूहिक रूप से काम करने की जरूरत है। अधिक जनसंख्या वाले राज्यों जिलों और ब्लॉकों में विशेष ध्यान देना होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कम प्रजनन दर का लक्ष्य हासिल कर चुके राज्यों में इसे बनाए रखने और अन्य राज्यों में इसे हासिल करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। मिशन परिवार विकास इस काम को हम आगे बढ़ा सके हैं जो हम लोगों ने 2016 के 11 जुलाई को शुरू किया था। अभी अनुप्रिया जी ने बताया भी आपको कि 146 डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोगों ने 7 स्टेट्स में ढूंढा था और अभी मुझे खुशी है कि आपने उसको एक्सटेंड किया और आपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी उसमें जोड़ा है एंड नाउ शायद नंबर जो है 360 डिस्ट्रिक्ट्स तक पहुँचा है। बिहार झारखंड मध्य प्रदेश राजस्थान असम उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये स्टेट्स हम लोगों ने लिए थे। अभी भी मैं एक बात कहूंगा कि हम अपनी स्ट्रेटजी को रीडिजाइन करें और रीडिजाइन करने में जो हमारे को फैमिली सर्वे आया है उस फैमिली सर्वे के अनुसार हम देखें कि अब कौन से हाई पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट्स रहेंगे और उस तरीके से हम उसको कैसे और अच्छा कर सकते हैं, इसको करने की आवश्यकता है। लेकिन हमको दोनों एस्पेक्ट्स पर वर्क करना पड़ेगा। वो एस्पेक्ट ये है कि जहां हमारा TFR 3 था जिसको हम आज 2.4 से लेकर के 2.0 से नीचे लाए हैं, वहां उसको मेंटेन करना है और मेंटेन करने के साथ साथ जो रह गए हैं उस पर हमको फोकस करना है। ये मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि उस समय मंत्रालय को लग रहा था कि मैं क्या एक्सरसाइज करा रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट्स निकाल रहा हूं, क्या है, अब तो सब जगह करते हैं, पर आज उसका आपको फायदा ये मिल रहा है कि बिकॉज वी हैड फोकस ऑन दोज डिस्ट्रिक्ट्स टुडे बहुउद्देशीय परिवार नियोजन प्रदर्शन मॉडल सुगम की भी शुरुआत की गई है। 11 दिसंबर 2017 को मातृ एवं नवजात शिशु की रुग्णता एवं मृत्यु दर में कमी लाने, प्रसव के दौरान और प्रसव के तुरंत बाद की अवधि में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार लाने और लाभार्थियों की संतुष्टि बढ़ाने, सकारात्मक प्रसव अनुभव प्रदान करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में आने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को सम्मानजनक मातृत्व देखभाल प्रदान करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई। इसी प्रकार आमजन को पोषण से संबंधित जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं जिनमें राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, शिशु और छोटे बच्चों के आहार के लिए MAA कार्यक्रम, फ्लोरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम और एनीमिया नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल जैसी योजनाएं चलाई गई हैं। वहीं कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर नियंत्रण के उद्देश्य से भी अनेक योजनाएं या कार्यक्रम
चलाए गए हैं, जिनमें एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, बधिरता की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम आदि शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 को वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करने जा रही हैं। इस बार हेल्थ सेक्टर को बजट से बहुत उम्मीदें हैं। इसकी एक वजह सरकार का अंतरिम बजट में संकेत देना भी है। अंतरिम बजट में जहां सरकार ने हेल्थ सेक्टर का आवंटन बढ़ाया था, वहीं इस बात पर भी जोर दिया था कि सरकार स्वास्थ्य सेक्टर को और बेहतर बनाने पर ध्यान देगी। इसी में से एक सबसे बड़ी मांग है कि आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ सिर्फ गरीबों को नहीं बल्कि देश के हर नागरिक को मिले। अगर बात इस साल के अंतरिम बजट की करें तो सरकार ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए 90,171 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। ये पिछले बजटीय आवंटन से अधिक था। हालांकि भारत अब भी अपनी GDP का करीब 2% ही स्वास्थ्य सेक्टर पर खर्च करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश करते हुए 6 विषयों को विशेष तौर पर मेंशन किया, जिनमें ट्रेनिंग कॉलेजों की संख्या बढ़ाना, सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन के लिए काम करना, माँ और बच्चे की सुरक्षा, यूविन, मिशन इंद्रधनुष और आयुष्मान भारत शामिल था। Several youth are ambitious to get qualified as doctors. They aim to serve our people through improved healthcare services. Our government plans to set up more medical colleges by utilizing the existing hospital infrastructure under various departments. A committee for this purpose will be set up to examine the issues and make relevant recommendations. Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. Maternal and child health care. Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. Upgradation of Anganwadi centers under Saksham Anganwadi and Portion 2.0 will be expedited for improved nutrition delivery, early childhood care and development. The newly designed U-Win platform for managing immunization and intensified efforts of Mission Indradhanush will be rolled out expeditiously throughout the country. Ayushman Bharat. Healthcare cover under Ayushman Bharat scheme will be extended to all ASHA workers, to all Anganwadi workers and helpers. 2024-25 का अंतरिम बजट स्वास्थ्य सेवा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर केंद्रित था, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को कुल 90,171 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। यह बजट पिछले वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में 12.5% की वृद्धि को दर्शाता था। इस बजट के दौरान सरकार ने विभिन्न विभागों में मौजूदा अस्पताल के बुनियादी ढांचे का उपयोग करके अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना की घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि चुनौतियों की जांच करने और इस पहल के लिए सिफारिशें प्रदान करने के लिए एक समर्पित समिति बनाई जाएगी। मेडिकल कॉलेजों की स्थापना पर बढ़े हुए आवंटन और फोकस से स्वास्थ्य सेवा कार्यबल क्षमता में वृद्धि होगी। डॉक्टरों की कमी की लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान होगा और डॉक्टर रोगी अनुपात में सुधार होगा। सरकार ने 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के टीकाकरण की वकालत करके सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के महत्व पर जोर दिया। इस पहल का उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर से जुड़ी बीमारी के बोझ और दीर्घकालिक स्वास्थ्य देखभाल लागत को कम करना है।
टीकाकरण को अधिक सुलभ बनाकर सरकार का लक्ष्य इस रोकथाम योग्य बीमारी की व्यापकता और संबंधित स्वास्थ्य देखभाल लागत को कम करना है। कार्यान्वयन में तालमेल बढ़ाने के लिए मातृ एवं शिशु देखभाल के लिए विभिन्न योजनाओं को एक व्यापक कार्यक्रम में समेकित किया जाएगा। पोषण वितरण और प्रारंभिक बचपन देखभाल में सुधार के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन में तेजी लाई जाएगी। मातृ एवं शिशु देखभाल योजनाओं को समेकित करने से सेवाएं सुव्यवस्थित होंगी, स्वास्थ्य परिणामों में सुधार होगा और प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल होंगी। इस पहल से माताओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य देखभाल वितरण की दक्षता में वृद्धि होने की संभावना है। टीकाकरण के प्रबंधन और मिशन इंद्रधनुष के गहन प्रयासों के लिए नए डिजाइन किए गए यूएन प्लेटफॉर्म को पूरे देश में तेजी से लागू किया जाएगा। इस मंच का उद्देश्य टीकाकरण प्रयासों को सुव्यवस्थित करना और कवरेज में सुधार करना है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन में तेजी लाना कुपोषण से निपटने और बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। यह पहल सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य भावी पीढ़ियों के लिए दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ पैदा करना है। यूविन प्लेटफॉर्म और मिशन इंद्रधनुष के तेजी से कार्यान्वयन से टीकाकरण कवरेज में वृद्धि होगी, जिससे सामूहिक प्रतिरक्षा में सुधार होगा और वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों का प्रसार कम होगा। यह सक्रिय रुख भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों के खिलाफ लचीलापन बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल कवरेज को आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों तक बढ़ाया जाएगा। यह विस्तार जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवा वितरण में इन अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है। अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों तक आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य देखभाल कवरेज का विस्तार करना, उनके योगदान को पहचानने और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह विस्तार उन लोगों का समर्थन करके समग्र स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली को भी मजबूत करता है, जो इसके कामकाज का अभिन्न अंग है। वहीं जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास के लिए 2023-24 में आवंटन 500 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 1100 करोड़ रुपए हो गया। यह वृद्धि जैव प्रौद्योगिकी में नवाचार और विकास को बढ़ावा देने पर सरकार के फोकस को रेखांकित करती है। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास के लिए आवंटन में पर्याप्त वृद्धि से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नवाचार और उन्नति को बढ़ावा मिलेगा। इस निवेश से नई चिकित्सा प्रौद्योगिकियों और समाधानों को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जिससे स्वास्थ्य देखभाल की समग्र गुणवत्ता में वृद्धि होगी। वर्ष 2024 तक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र भारत के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक बना हुआ है। भारत का स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र चिकित्सा पर्यटन के वैश्विक गंतव्य के रूप में उभरा है, जो अपने कुशल चिकित्सा पेशेवरों, उन्नत स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों और लागत प्रभावी उपचारों के कारण दुनिया भर से रोगियों को आकर्षित कर रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार को लेकर लगातार कार्य हो रहा है, चाहे डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने की कोशिश को लेकर किए जाने वाली पहल हो या फिर सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए किए जाने वाले उपाय। सरकार पूरी कोशिश के साथ सार्थक परिणाम के लिए जुटी हुई है। नए भारत की सुनहरी तस्वीर न सिर्फ आधारभूत विकास की साक्षी है, बल्कि यह जन कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। हेल्थ केयर फॉर ऑल के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के सभी हेल्थ केयर सेंटर को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटी हुई है सरकार। जैसे जैसे भारत विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में खड़ा है, जो देश के समावेशी विकास, सतत विकास और अपने नागरिकों के लिए उज्ज्वल भविष्य के लक्ष्यों को रेखांकित करता है। पिछले एक दशक में भारत ने बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और पहुंच में महत्वपूर्ण प्रगति के साथ स्वास्थ्य सेवा में उल्लेखनीय प्रगति की है।
मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने के लिए पिछले 10 वर्षों के दौरान ठोस प्रयास किए गए हैं। फिलहाल देश में 706 मेडिकल कॉलेज हैं। पिछले 9 वर्षों में कुल 319 मेडिकल कॉलेज जोड़े गए हैं, जिनमें मेडिकल कॉलेज शामिल है, जिससे 2014 के बाद से मेडिकल कॉलेजों की स्थापना में 82% की वृद्धि हुई है। भारत का चिकित्सा शिक्षा नेटवर्क पेशेवर शिक्षा एवं गुणवत्ता की दिशा में अधिक ध्यान और निवेश के साथ कई गुना विस्तारित हुआ है। मुख्य ध्यान वंचित क्षेत्रों तक पहुंचने और सुलभता की कमी को दूर करने पर रहा है। वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर सुलभता सुनिश्चित करने हेतु डॉक्टर जनसंख्या अनुपात को बेहतर करने हेतु निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। जिला अस्पतालों को सशक्त उन्नत करने के लिए नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, जिसके लिए केंद्रीय वित्त पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने हेतु एक केंद्र प्रायोजित योजना, मौजूदा जिला रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना 2014 में शुरू की गई थी। इस योजना के 3 चरण अब तक लागू किए जा चुके हैं, जिसके तहत चिकित्सा सेवा से जुड़े पेशेवरों की संख्या को बढ़ाने के उद्देश्यों के अनुरूप 157 कॉलेजों को मंजूरी दी गई। अब तक इन 157 मेडिकल कॉलेजों में से 108 कॉलेज पहले ही अपना कामकाज शुरू कर चुके हैं। स्वीकृत 157 कॉलेजों में से 40 आकांक्षी जिलों में स्थित हैं, जिससे इन जिलों में निवेश को बढ़ावा मिलता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पहचाने गए अंतरालों को दूर करने और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शर्तों के ढांचे के माध्यम से सुविधाओं को आवश्यक मानकों को पूरा करने के लिए धन मुहैया कराकर सहायता प्रदान करता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 2025-26 तक 50% स्वास्थ्य सुविधाओं में IPHS अनुपालन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। IPHS अनुपालन के लिए सुविधाओं को 80% या उससे अधिक स्कोर करना होगा। मंत्रालय ने आकलन को आसान बनाने के लिए ओपन डेटा किट, डिजिटल टूल और वेब आधारित डैशबोर्ड विकसित किया है। आने वाला बजट सभी वर्ग के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं को ध्यान में रखकर लाया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में, विशेष तौर पर बीमा के क्षेत्र में कुछ बेहतर किए जाने की उम्मीद है। '23-24 और 2024-25 के केंद्रीय बजट हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत सरकार के निरंतर प्रयासों को प्रदर्शित करते हैं। COVID-19 टीकाकरण और बीमा कवरेज जैसी तत्काल जरूरतों को संबोधित करके और चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और बुनियादी ढांचे में दीर्घकालिक निवेश करके ये बजट एक लचीली और मजबूत स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लिए एक ठोस आधार तैयार करते हैं। मातृ एवं शिशु देखभाल, टीकाकरण और अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के समर्थन पर जोर स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों की भलाई में सुधार करना है। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।